ये भी बोल रहा है चल भाई तो यहाँ है से ते दूर से, तो ये तो बने लिए मैं तो वीडियो में आ जाऊँ उनका, सही बात है कि नहीं? देखिए कैसे गरज रहा है यहाँ पे, कतई जहर वाला सीन है काबू ना, बड़ी हार्ड लग रहा है ना। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद संजीत सिंह। तो आप लोग ठीक ही होंगे मुझे लगता है, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जुबली पार्क का सैर कराने के लिए आया हूँ, यहाँ पे रांची से आया हूँ जमशेदपुर बहुत सुबह सुबह, और काफ़ी ठंड भी थी आज, बहुत ठंड भी लग गई मुझे, बट कोई नहीं, आए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ का पूरा लोकेशन दिखाते हैं। तो चलिए जुबली पार्क का मजा लेते हैं। तो आप लोगों के सामने आज मैं जुबली पार्क का वीडियो लेके आता हूँ। यहाँ देखिएगा, बहुत ही बड़ा पार्क है ये, झारखंड जमशेदपुर में पड़ता है। तो यहाँ का एंट्री गेट, सबसे पहले एंट्री गेट को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, और ये है, यहाँ है जुबली पार्क का एंट्री गेट, यहीं पे है, यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं। देखिए दूर से कितना शानदार लोकेशन दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और चलिए आप लोगों को अंदर का सीन मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये जुबली पार्क। तो आप लोग मेरे साथ रहिए और बने रहिए इस वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये है दरअसल मैं अभी जुबली पार्क में हूँ, और जुबली पार्क का अंदर का पूरा सीन कैप्चर करने वाला हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पे, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा पार्क है। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझको, क्योंकि आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ ना, और देखते हैं वाह क्या झील है। तो चलिए आप लोगों को पहले झील का लोकेशन दिखाते हैं, यहाँ पर कितना बड़ा झील है, बहुत ही बड़ा लग रहा है यार। क्या लिखा है, जयंती सरोवर। तो देखना चाहेंगे आप लोग क्या, नहीं चाहेंगे? अच्छा कोई नहीं, दिखाई देते हैं ताकि याद कीजिएगा कि सही चीज़ को दिखाता है ये लड़का। तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा है ये झील, जयंती सरोवर के नाम से जाना जाता है ये। देखिए सामने से दिखाते हैं आप लोगों, देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा है कि इसका अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए ओवरऑल लुक यहाँ का, देखिए पूरा काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ये, और यूनिक चीज़ भी है। तो यहाँ पे मैं सुबह के सैर करने के लिए आया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये है जुबली पार्क, और यहाँ पे अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सुबह का सीन है, सुबह यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब जा रहा हूँ मैं, रोड के साइड से जा रहा हूँ, रोड में चल रहा हूँ यहाँ पे। तो अब तो देखते हैं इस रोड में कहाँ तक ले जाती है मुझे, जहाँ तक भी लेके जाएगी आप लोगों को लेके जाऊँगा मैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट गेट है, तो इसके आगे जाना मना है, यानी कि नो एंट्री है। तो ये है सरोवर का जो कि लेक है, उसका एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे गेट लगा हुआ क्योंकि इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग रिटर्न जाते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एंट्री किए थे। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे अच्छा लग रहा है, पूरा पूरा नेचुरली व्यू है, पूरा नेचर ही नेचर है। और साथ में आप लोगों तो पता ही होगा कि मैं ज़्यादा नेचर पे ही फोकस करता हूँ, जो भी वीडियो लेके आता हूँ सिनेमेटिक शॉट रहता है उसमें, और जितना भी लोकेशन पॉइंट टूरिस्ट प्लेस वाला वगैरह ही रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ कैसे अच्छा लग रहा है, ये प्राकृतिक सौंदर्य कितना खूबसूरत है, यहाँ का सीन देखिए, साथ में ये लेक, और ये जो सीन का है ना, और सुंदरता को ये बढ़ा देता है। आप लोग देखिए यहाँ पर, और कुछ काम वगैरह सब भी होता है, लकड़ी उकड़ी कटा हुआ है आई थिंक, तो यहाँ पे काम भी होता होगा। जो पेड़, जो इतना बड़ा बड़ा पेड़ है ना, तो जो इसका समय आ जाता है तो काट देता होगा इसको, और वही जो कटा हुआ है यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए
इतना खूबसूरत जगह सुबह सुबह के समय में नसीब वालों को ही मिलता है। और आप लोग भी अगर नसीब आप लोगों के साथ अगर साथ रहेगा तो आप लोग भी ऐसे ऐसे सुबह को जाइए घूमने के लिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगता है, इसे मनमोहक जगह रहता है, दिमाग फ्रेश होता है, ठंडा ठंडा मौसम, अच्छी वायु, अच्छा सिनेमेटिक शॉट के साथ आप लोग साथ में दिखा रहा हूँ इतना सिनेमेटिक व्यू को, बहुत अच्छा लग रहा होगा। और साथ में इधर लेक भी है, देखिए आप लेक को मैं आप लोगों को थोड़ा सामने से दिखाता हूँ, देखिए और दूर में वहाँ पे कुछ फाउंटेन वगैरह दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं उसको, फुहारा हल्का हल्का दिख रहा है। चलिए फिर वीडियो में बने रहिए आप, मैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ लेके जाता हूँ, फिर वहाँ पे एक जू भी है पता चला है मुझे, तो वहाँ पे जू का एंट्री करता हूँ, जू में प्रवेश करता हूँ, वहाँ का व्यू देखते हैं क्या क्या सीन रहेगा, वहाँ देखने को क्या मिलेगा मुझे। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये सुबह का सीन है और सुबह मैं रांची से जमशेदपुर यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। सुबह बहुत ही ठंड थी, बट कोई नहीं, आप लोग वीडियो के बनाने के लिए आप लोग सामने अच्छा अच्छा वीडियो दिखाने के लिए कैप्चर करने के लिए मैं यहाँ सुबह आ गया हूँ। और सुबह का यहाँ पे सीन है और देख सकते हैं ये जो पीछे मेरे साथ दिख रहा है ना पीछे साइड, वो है लेक, है यहाँ का फेमस लेक। और यहाँ पे ये जुबली पार्क है और जुबली पार्क के अंदर एक जू भी है। तो आप लोगों को मैं अभी यहाँ का जूलॉजिकल पार्क दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है यहाँ का जू कैसा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों बहुत सिनेमेटिक शॉट के साथ। और यहाँ का जुबली पार्क बहुत ही बड़ा है जो कि जमशेदपुर झारखंड में पूरा फेमस है ये जुबली पार्क। देख सकते हैं आप लोग ये बिहाइंड द सीन, मेरे दोस्त लोग कुछ नए मिल गए, भाई लोग ये लोग बता रहे हैं कि ग्रीडिस है, तो हम लोग अभी कहाँ जा रहे भाई, जू यहाँ का जो जुबली पार्क में जो जूलॉजिकल पार्क है ना, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या सीन है, क्या बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फिर जू में मिलते हैं डायरेक्ट। तो अब मैं जूलॉजिकल पार्क पहुँच चुका हूँ, आप लोग देखिए यहाँ मेरे पीछे है जूलॉजिकल पार्क, देखते हैं यहाँ पे क्या टिकट का क्या चार्ज है, कितना रुपया लेता है, 100 रुपये से ज़्यादा लगा रहा तो हम जाए वो नहीं करेंगे सार के यहाँ कौन जाएगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं पार्क में क्या क्या मिलेगा। जूलॉजिकल पार्क में सुनने में तो आया है कि अच्छा अच्छा खासा कुछ कुछ रखा जाता है, फिर सांप बाघ जो भी है कि क्या है क्या दिखाएगा। तो चलिए फिर टिकट काउंटर पर जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं कितना रुपया लेता है टिकट का। तो यहाँ पे देखिए जूलॉजिकल पार्क का मेन गेट है और इसको टाटा स्टील जो प्लांट है वो कंडक्ट करती है, ये उसके अंडर में ये आता है, उसी से ऑथराइज्ड है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूलॉजिकल पार्क का मेन गेट है, अब मैं जाता हूँ टिकट काउंटर पे, वहाँ पे कितना टिकट का कितना पैसा लेता है, तो बने रहिए मेरा वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आ ही रहा होगा। लोगों पहली बार यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं जमशेदपुर के जूलॉजिकल पार्क यानी कि जुबली पार्क के सेंटर पे। टिकट का कितना रुपये ले रहा भाई, 30 रुपये ले रहा है, 30 रुपया, अच्छा ठीक है मेरे लिए भी कर दे, सर एक टिकट दीजिएगा, टिकट चेंज नहीं है जो है, हाँ अरे यार चेंज नहीं है मेरे पास, ओ भाई चेंज दो यार, नहीं दे रहा है चेंज नहीं है बोलता है, क्या ब्लॉग बना रहा है क्या, हाँ ब्लॉग बने बने से, हाँ बना रहा बच्चा है दो। तो हेलो गाइस आप लोग देखिए मेरे पास 100 रुपये है ओनली और यहाँ पे चेंज नहीं मिल रहा है, तो कुछ मेरे दोस्त है जो मिल गए हैं उसी से अभी 30 रुपये ले रहा हूँ मैं, उसके बाद यही टिकट कटा दे रहा हूँ भाई मेरा। तो देखिए यहाँ पे ये दोस्त दिया मुझे 30 रुपया, क्या जी जी देख सकते हैं चेंज नहीं था, चेंज मिल गया है अब मैं एंटर कर सकता हूँ। जी सर 30 रुपया ही ना, ठीक है लीजिए टिकट, थोड़ा घूमते हैं क्या है पार्क में देखने को आज मिलेगा। तो अब मैं जूलॉजिकल पार्क के गेट में एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास भी टिकट है, तो यहाँ मैं घुस चुका हूँ, बहुत ही अच्छा जगह है, सिनेमेटिक व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं यहाँ पे
शुरू में ही फूल से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पे चिड़ियाघर भी है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चिड़ियाघर लिखा हुआ है। तो हम लोग आगे जाते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा। सुनने में तो आया बहुत ही अच्छा अच्छा जगह है, यहाँ पे चिड़ियाघर है। देखिए पोस्टर से तो लग रहा है, पोस्टर से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जगह है जैसे लग रहा है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट देखते हैं क्या क्या दिखेगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है। यह पार्क है एक्चुअली में, जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है। और ये जो मेरे कुछ साथी हैं, ये लोग फूल के साथ वीडियो बना रहे हैं और फोटो वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं। तो अंदर का पूरा सीन को कैप्चर करके मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे फूल को कैप्चर करने के लिए मना किया जा रहा है, तो अब मैं रिटर्न आ रहा हूँ पीछे। इधर जाना है, तो देखिए बहुत ही अच्छा जगह है, ये पे बहुत मजा आ रहा है, कितना ही मजा आ रहा है। तो लग रहा है आज यहाँ पे फुल टू ब्लॉक्स बनने वाला है, बहुत ही मस्त लग रहा है, क्या भाई? हाँ, तब क्या कहना चाहोगे? बस मजा लेना है, बस मजा लेना है। तो आप लोग भी आइएगा, जुबली पार्क में ही है ये जूलॉजिकल पार्क। अंदर में क्या अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, बट जरूर मिलेगा, क्या दिखेगा क्या आगे। हाँ, उत्सुकता है काफी, काफी उत्सुकता है ना, पहली बार आए आप लोग, आपका भी पहली बार है ना। हाँ, और काफी नाम सुने है ना। हाँ, इस कारण से नाम है बहुत फेमस है। क्या नाम बहुत फेमस है? सही बात है, नाम से ही तो आदमी लोग जाना जाता है, चाहे कोई भी जगह हो उसको नाम से ही पहचाना जाता है क्या। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मस्त फूल आया, मस्त फूल आया है। अब थोड़ा सा यहाँ का सिनेमेटिक शॉट्स भी लेके दिखाते हैं आप लोगों को। कैमरा मैन स्पेशल नहीं है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल व्यू, यहाँ का व्यू पॉइंट, ओवरऑल लोकेशन देख सकते हैं, सब तरफ फूल ही फूल है, बगान ही है, पूरा भरा हुआ है सब तरफ। आई थिंक अधिकतर तो गेंदा का फूल ही है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश से क्या बोलते हैं भाई, मेरी गोल्ड ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, जानते हैं कुछ, बहुत याद करके आए हैं ना। तो अभी हम लोग बंदर चाचा से थोड़ा सा मिल लेते हैं, क्या बोलता है, पूरा फॉर्म में है और पूरा डिस्को डांस कर रहा है। बंदर है ना जी? हाँ, मेड्रिल बंदर है, मेड्रिल बंदर है, पूरा फॉर्म में है। आप लोग भी दिखा रहे हैं, सब्र करिए, पूरा मस्ती कर रहा है। तो पहले इंतजार कीजिएगा, तब दिखाएंगे, ऐसे ही दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे तो पहले कहानी ख़त्म हो जाएगा, तो मज़ा कैसे आएगा। तो रुके दिखाते हैं, पक्का दिखा दिए, देख लीजिए यहाँ पे का चचा, ओ चचा, ओ चचा, ओ चचा, इधर देख चचा, डांस कर दो, डांस कर दो, इधर 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 आजा आजा। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बंदर है, मेड्रिल बंदर, जो कि बहुत ही मस्ती कर रहे हैं वे लोग। बंदर है ये, इसका पूछ नहीं है, पूछ नहीं है इसका, पूछ नहीं रहता है इसमें, यूनिक बंदर है। हाँ, इसका पूछ ही नहीं है, अरे उसका पीछे लगता है कुछ जख्म हो गया रखता है। अरे यार रे, अभी एक तो खतरनाक वाला दिखा रहा है, गम में डूबल है बेचारा, तो के मुके कहना का यार, कैसा ठीक है इसने यार, पूरा फॉर्म है लग रहा है तो पूरा यार। देखिए एक ठो बंदर है उधर सैड मोमेंट में बेचारा बैठा होगा, पता चल रहा है कच्चा कुछ तो लोचा है। और ओ इधर है, इधर भी है यार, इधर भी है, पीले पट्टीदार होता है, देखिए वहाँ लटका हुआ है, पूरा टेंशन ना दे रहा है ना, पूरा टेंशन में ये अटेंशन देते देते कितना दिन तक जिए भाई। लग रहा छोड़ के भाग गए ना, जुबली पार्क में अभी आई है, जाना होगा इसको लेके, भेंट करवाना होगा किसी से, काजी जाएगा ना चाचा, ओ चाचा छोड़ दो, चाचा नाराज हो जाएगा तो गोली मारेगा। अभी मेन चाचा से मिलते हैं, ये भी लगता है फॉर्म में है। ओ ए नाच 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 नाच, तेरी बे
नाच 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 रे तेरी बहन की। आगे आप बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, बहुत ही यूनिक चीज है और यूनिक जगह भी है ये, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्या है यार, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, चल सामने जाके दिखाता हूँ क्या है। काची है भैया, ये मयूर है, मोर, इसका पंख नहीं फैला रहा ना, पंख फैलाएगा बंद है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या जगह है। बस खाली खाली लग रहा है जी। तोता है, तोता अपने। अच्छा, तोता सामने से दिख रहा है ना, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे तोता रानी विराजमान है। जूम करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ऊपर भी है, ऊपर भी है, देखिए। अब मैं आगे जाता हूँ, आगे क्या देखने को मुझे मिलेगा। क्या है यार, यहाँ जो कुछ भी है यहाँ पे छिपा हुआ घड़ा पे, ऊपर जो घड़ा है ना उसे में छिपा हुआ है, ये जो कुछ भी है नहीं दिख पा रहा है, छिपा हुआ है। देखते हैं, नो वंस होम यानी घर खाली है, कृपया आप लोग यहां से मूव कर सकते हैं। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं यहां पे ये वाइट हिरन है, देख सकते हैं आप लोग पूरा चहलकदमी कर रहे हैं। सुबह का मौसम है ना, सुबह का टाइम है, ये लोग बहुत ही क्या 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 कुछ खा रहे लगता है, देख सकते हैं। और इधर साइड में जेब्रा है, यहाँ पे जेब्रा का लिए घर, जेब्रा के लिए घर बनाया गया है। तो ये जेब्रा को आप लोग दिखाता हूँ मैं सामने से, देख सकते हैं ये क्या ही सोच रहा है लगता है। सुबह का सीन है ना, पूरा मस्त में है, आई थिंक इसको खाना पीना खिला के छोड़ दिया गया है और बहुत ही आनंद ले रहा है ये, देख सकते हैं घूम रहा है। अब जा रहा है घूमने के लिए, जा रहा है मिलने के लिए, जा रहा है मिल लेता है थोड़ा सा, बोल रहा है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन बंदा नहीं मानता, चल दिया मिलने के लिए। तो देख सकते हैं साथ में ये कपल ही होंगे शायद, और देखिए ये अच्छा लग रहा है। इससे मिलते हैं, क्या जी क्या हाल चाल है। अरे यार शर्मा गया लगता है, चल दिया उधर, पूंछ उठा, पूंछ दिखा के चल दिया मुझे। अब देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट सीन आप लोग को दिखाता हूँ क्या है, आप लोग खुद ही देख के बता लीजिए कि क्या है, क्या बोलते हैं इसको। देखिए कैसे ये बैठे हुए हैं, और इसका जो पंख है ना, मयूर का पंख है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये शायद उड़ेगी तो जब फैलेगा तो और ही मस्त लगेगा ये। बट कोई नहीं, ये लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो बस हम लोग सिनेमेटिक शॉट्स का यानी कि जो प्राकृतिक के चीज़ें हैं जो प्रकृति ने बनाया है उसका ही बस आनंद ले रहे हैं। देखिए ये लोग चहलकदमी कर रहे हैं इधर से उधर, उड़ तो रे बाबा एक बार। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे क्या क्या देखने को मिलेगा
अरे यार इधर कृष्ण मृग लिखा हुआ है, यहाँ पे हिरण का दृश्य आप लोगों को दिखाता हूँ। और वहाँ पे दो हिरण लड़ाई कर रहे हैं, देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार मैच चल रहा है WWE की तरह, पर जोर शोर से लगा हुआ है, भागम भागी और मारा मारी। और इधर एक मयूर भी है, यहाँ पे मयूर भी आ गई है, यहाँ देख सकते हैं मयूर भी आई हुई है। यार बोल रही है मुझे भी ले लो यार, तुम ऐसा काहे कर रहे हैं, मुझे भी कैप्चर कर लो यार। इसको भी कैप्चर कर ले रहा हूँ, और साथ में इधर हिरन भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हिरन काफ़ी मात्रा में है, और सुबह का समय है तो हिरन खेल रहे हैं आपस में बोल सकते हैं, या तो लड़ाई भी कर रहे हैं बोल सकते हैं। पर WWE वाला फाइटिंग चल रहा है, आप लोग इसका सिंह को गौर कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और नुकीला भी है, देख सकते हैं आप लोग, पक्का दिख रहा है ना। चलिए आप नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ से, और देखते हैं आगे क्या मिलेगा। ब्लैक बग, कुछ कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ के जो बारे में हिरन के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बस मैं कैप्चर करके दिखा दे रहा हूँ। और देख सकते हैं ये काफी मात्रा में है यहाँ पे, मेरे आने के कारण है ये लोग अपना कर्तव्य मुझे दिखा रहे हैं, कर्तव्य मुझे दिखा रहे हैं कि देख भाई तुझे तेरा वीडियो में आने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, ये लोग ऐसे सोच रहेंगे होंगे क्या, सही बोल रहे हैं ना। और मुझे अपना पूरा स्टैंड दिखा रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का जूलॉजिकल पार्क का, बहुत सारा बहुत ही बड़ा है ये जगह, और यहाँ पे यूनिक चीज़ देखने को मिल रहा है मुझे, और आप लोगों को भी शायद मिल रहा होगा क्योंकि ये नया जगह है और मेरे लिए भी नया जगह होगा। आप लोगों को मैं जंगली भालू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे जंगली भालू है, थोड़ा दूर ही है, बस जूम करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स देता है, आता है कि नहीं, बुलाने की कोशिश करते हैं इसको। हेलो ओ चचा, नहीं देखता है यार, अपना कामों में व्यस्त है, क्या खोज के खा रहा है लग रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ यहाँ जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन है? सिंह स्किन यानी गोपाल सिंह। दिखाने जा रहा हूँ जंगल का राजा को, शेर को दिखाने के लिए जा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं क्या बोलता है, कुछ अपने शब्दों में बात करना होगा उससे, उस मुझे भी समझ में आ सकता है, हो सकता है पहले के ज़माने में मैं भी किंग ही था, सिंह स्किन, और अभी भी हूँ, तो मिलते हैं आप उससे, पहले शेर से मिलेंगे, उसके बाद टाइगर से मिलेंगे, थोड़ा सा अपने शब्दों में उसके लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे क्या बोलता है। यहाँ लोगों के बीच में रह रहा के फंस गया होगा वो। तो वीडियो कैसे लग रहा है? मज़ा आ रहा होगा, बहुत दिन के बाद आए हैं फाइनली ब्लॉगिंग करने के लिए, और ऐसे ही वीडियो सब आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो सपोर्ट करने में कमी मत कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जितना प्यार है मुझे देते रहिएगा, है कि नहीं। देखते हैं पहुंच गए हैं, कहाँ है सिंह चचा, कहाँ है सिंह स्किन, इसका गर्जन तो आप लोग सुन सकते हैं, अभी दहाड़ा नहीं है, दहाड़ेगा तब ना सुनिएगा, तो दहाड़ने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा देखते हैं, इधर से तो नहीं दिख रहा है, उधर साइड से फ्रंट साइड से दिखाता हूँ आप लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जंगल का राजा किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा जंगल का राजा कौन है, और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे है, थोड़ा दूर में ही है, जूम करते हैं, सामने से नहीं दिखा सकते हैं ना, नहीं तो खा जाएगा बेटा हमी को। देख सकते हैं आप लोग कि ये कितना बड़ा है, और थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, और एक बैठा हुआ है उधर, और एक चहलकदमी कर रहा है, घूम रहा है अपना मस्त में है,
ये लोग अपना डाइट मिल गया होगा, खा लिया है और प्रमस्त में है, आ रहा सामने। आजा आजा इधर आजा, आवा तुम्हें कैप्चर कर रहे हैं। देखो तो यार एक बार, वाह मेरे लिए आया है बेटा, आया दूर से बोल के का ओए। चढ़ गया सार के इधर तो बुढ़ा गया है ना, भूखा शेर है, दौड़ा है बेटा हैवी टाइप से। और एक आप लोग देख सकते हैं पूरा गुस्सा के मूड में है, आ रहा है वो भी आ रहा है यार, इसका दोस्त वो है, हाँ वो भी आ रहा है इधर, हाँ पूरा आ रहा। देखो आप लोगों को बोले थे ना कि हम दिखाएंगे शेर का पिक्चर, तो यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, मूव कर रहा है। देखिए दोस्त आजा आजा, छोड़ो छोड़ो, हिंदे हिंदे का यार तर मामू लागो का बुला थे पूरा। हाँ भूखा सर, बाय बाय, पूरा खतरनाक खड़ा हो गया नहीं, बहुत खतरनाक। तो आप लोग देखिए पीछे, मेरा पीछे शेर खड़ा हुआ है, देख सकते हैं, काफी मायूस लगता है ये लड़का। दहाड़ो तो यार एक बार, दहाड़ के सुना दो तो, खामोश है आज, नहीं दहाड़ेगा ये। एक साथी इसका अंदर घुस गया ना वहां पे। अब नेक्स्ट आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूं मैं टाइगर के पास। टाइगर जिंदा है, टाइगर भी मरा नहीं है, तो टाइगर को दिखाते हैं वो क्या कर रहा होगा। आज मेरा किस्मत अच्छा होगा, जितना भी चीज़ों के पास आप लोगों को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं ना, वो आ जा रहा है कैमरा के सामने, आ रहा है फ्रंट में, आ जा रहा है, मूव कर रहा है यार, बोल रहा है गोपाल सिंह आया है, कहाँ से आया, रांची से आया है। तो दिखाना तो बढ़ता है ना थोड़ा सा, इसीलिए मेरे साथ कैमरा के सामने में आ रहा है, तो मैं सामने से कैप्चर करके आप लोगों को पूरा क्लियरली दिखा रहा हूँ। तो मैं टाइगर के पास पहुंच चुका हूं, और ये तो काफ़ी दूर में है, उतना जैसे शेर को दिखाया था वैसे नहीं दिखा सकता हूं, कहां दिख नहीं रहा है। अच्छा वहां पे दिख रहा है, थोड़ा मूव कर रहा है, जूम कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा फ्रंट से, रियर कैमरा से नहीं होता जूम, तो इसको बैक कैमरा से जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। थोड़ा तो जूम करना होगा, विदाउट जूम तो दिखेगा नहीं। ये देख लीजिए यहाँ से वहाँ जा रहा है, घूम रहा है अपना जो एरिया है पूरा ही मस्ती करते हुए, और आई थिंक मेरे साइड आ रहा है ये, तो आएगा तो और आप लोगों को क्लियर दिखा सकता हूँ मैं। देख लीजिए सामने की तरफ आ रहा है, बोल रहा ले बेटा देखिए ले, तो हाँ का नाम कर बे, आते दूर से आई इसका का रे चचा, ठीक है बोल रहा है, देख लो। तो आप लोगों को मैं सामने से दिखा रहा हूँ, ये भी बोल रहा है चल भाई तो यहाँ आई से ते दूर से, तो ये तो बने लिए मैं तो वीडियो में आ जाऊँ उनका, सही बात है कि नहीं। देखिए कैसे गरज रहा है, और ये काफी डरावना लग रहा है, खूंखार है ये, देख सकते हैं आप लोग पूरा इसका आवाज भी सुन सकते हैं आप लोग, सारा गलती छलांग मार गया तो दिक्कतें है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट तरफ मूव करता हूँ, देखते हैं आगे अब क्या सीन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर भाई जिंदा था, और दहाड़ के भी सुना दिया आप लोगों को, आप लोग भी सुन लिए होंगे, बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे ये लोग अच्छा काफ़ी रेस्पॉन्स कर रहे हैं। आप लोग देख लिए कि जितना भी जंगली जानवर है यहाँ पे अच्छा मुझे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ उन लोग सामने, तो वो लोग और काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं मेरे साथ, और वीडियो बनाने के लिए मदद कर रहे हैं मुझे, तो ऊपर वाला भी अपने साथ है ना, और करना भी चाहिए, बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे और पहली बार आए हैं ना, तो जब भी वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो वो लोग सामने आ रहा है पूरा, यानी कि वो लोग भी चाह रहा है कि ऑडियंस मेरा जो व्यूअर है, जो व्यू करता है, जो देखता है मेरा वीडियो को अच्छा से देखे, पूरा क्लियरली देखे। तो यहाँ से अब चलते हैं नेक्स्ट, कहाँ बढ़ते हैं दिखते हैं किस साइड जाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा है ना जूलॉजिकल पार्क, यहाँ का जमशेदपुर का है और काफ़ी फेमस जगह ये जमशेदपुर, जो कि क्लीननेस सिटी के नाम से जाना जाता है ये, और आप लोग भी यहाँ पे विजिट कीजिए, जुबली पार्क में ही है जूलॉजिकल पार्क, और बहुत ही बड़ा है और काफ़ी जंगली जानवर देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ कौन सा चीज़ मुझे देखने को मिलेगा।
पे कुछ स्टूडेंट है आप लोग? कहाँ से हो भाई तुम लोग? इमारत सलगाड़ी। सलगाड़ी? ये कहाँ कहाँ? ये क्या चीज है? स्कूल है, स्कूल है। अच्छा स्कूल है, आप लोग स्कूल है स्टूडेंट से है ना? तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो कि बता रहे लातेहार से है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग क्या से आए हैं? बस से आए हैं। बस से? हाँ बस से आए हैं। और ये जगह के बारे में बताइए, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है घूम के, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा ना, जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं लातेहार से, तो ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए, जगह अच्छा है, स्टूडेंट लोग भी सामने देखना चाहिए कि यहाँ का जूलॉजिकल पार्क क्या है, कैसे है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का रेटिंग बहुत ही अच्छा रहा ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप राव। संदीप राव, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू, थैंक यू। ठीक फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ भाई लोग मेरा पूरा सपोर्ट करने के लिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही अच्छा है। करो, शेयर करो। जितना जितना सपोर्ट करो दोस्त। हाँ, पूरा शेयर करो क्या? मेरा चैनल का नाम है गोपाल से नागपुरी ब्लॉग भाई, यूट्यूब में तुम लोग सर्च कर सकते हो। अब नागपुरी बोल रहे तो कितना अच्छा लगेगा, आप देख के बहुत खुशी लगेगा। एक्चुअली मैं आज आया ना जमशेदपुर, इसीलिए थोड़ा हिंदी से ब्लॉगिंग करते हैं ना, यानी कि नागपुरी हिंदी दोनों मिक्सअप रहता है। ठीक है, बहुत तो, हमको भी अच्छा लगता है नागपुरी। जितना भी तुम लोग देखो मेरा वीडियो नागपुरी से ही है, तो कहीं कहीं होता है ना ऐसे सिचुएशन आता है कि हिंदी भी काफी है ना, हिंदी भी बोलना चाहिए, इसीलिए हिंदी में ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई मेरा चैनल को सर्च कर रहा है, खोज रहा है, सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिल गया? यस यस, यही है। चलो भाई मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक। चलो, बहुत अच्छा लगा मिलके। ठीक ठीक, बाय बाय। तो ये दोस्त लोग से मिल लिए, स्टूडेंट थे लातेहार के, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके, और ये लोग मुझे सपोर्ट भी करने वाले हैं और ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे मछली घर है, किसी कारणवश यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे पता चल रहा है कि 26 तारीख के बाद खुलने वाला है। तो कोई नहीं, यहाँ का खिड़की है, उसी से कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखा देने के लिए। देख सकते हैं कुछ कुछ मछली है जो कि नहीं दिख रहा है यार। अच्छा अच्छा सर, ऐसे नहीं दिखेगा, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कभी आएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे इसका। जो लेक को आप लोग के सामने मैं बाहर से दिखा रहा था, वो अब मैं अंदर आ चुका हूँ, तो अंदर का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत ही बड़ा है ये, और देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ का पेड़ है ना, पेड़ तो काफ़ी शानदार लग रहा है। और जो साइड साइड में आप लोग देख सकते हैं, तालाब वगैरह, चाहे झील हो चाहे नदी हो, इसके किनारे में जो पेड़ रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यह जो पेड़ है तो यहाँ का जो सीन को वो लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, आकर्षक बना देते हैं सीन को। जो सिनेमेटिक शॉट बनता है ना, यहाँ का जो वीडियो बनाने में जो मज़ा आता है ना, बहुत ही मज़ा लगता है। तो जो पेड़ है, जो पेड़ जो है ना, दृश्य को मनोरंजक बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है ये। तो बहुत देरों से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और थक भी चुका हूँ, तो अब एग्जिट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब मुझसे चला नहीं जाता है। बहुत ही वीडियो कैप्चर कर लिए होंगे यहाँ पे, तो कोई नहीं, अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब देखते हैं रास्ता में जो भी वगैरह मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगा, उसको आप लोगों को दिखाते जाऊँगा। यहाँ से एग्जिट का डायरेक्शन है, इस साइड दिया हुआ है, तो अब मैं चलता हूँ उधर एग्जिट की ओर। और देख सकते हैं ये जो रोड के किनारे जो पेड़ लगा हुआ है ना, आप लोग सीन जो कैप्चर कर रहा हूँ, आप लोग देख के बताइएगा कि ये सीन कैसा है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब मैं चलते चलते जा रहा हूँ बाहर की तरफ, कहे कि काफ़ी थक चुका हूँ मैं, बहुत देरी से यहाँ पे घूम रहा हूँ, जिसके कारण से मैं थक चुका हूँ। देख सकते हैं आप लोग पीछे कुछ गेट दिखाई दे रहा होगा, जो कि एग्जिट गेट है, तो वहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ये जूलॉजिकल पार्क बहुत ही बड़ा है, तो घूमते घूमते मैं थक भी चुका हूँ। देख सकते हैं आप लोग, पसीना भी आ रहा होगा जहाँ तहाँ से ही, और मेरा बाल भी भीग चुका है, और ऊपर में भाई जमशेदपुर का क्या ही गर्मी है यार, डबल जैकेट पहना हो ना, इसलिए बहुत ही गर्मी लग रही है। डबल जैकेट इसलिए पहना हूँ क्योंकि मैं सुबह ही आ गया था ना रांची से, तो रांची से भाई काफ़ी ठंडा है, और उतना लॉन्ग डिस्टेंस भी है, जर्नी भी है, ढाई साढ़े तीन घंटा का, तीन साढ़े तीन घंटा का, तो जिसके वजह से देख रहे हैं, और अभी तो पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। कोई नहीं, आप लोगों का लिए मैं इतना अच्छा वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ ना, तो सब कुछ जायज है। मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे गेट है, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे मेरा मेन गेट है, एंट्री का भी और एग्ज़िट का भी, सेम पॉइंट में दोनों चीज़ होता है,
यहीं से एग्जिट करना है, यहीं से एंट्री भी करना है। तो अब हम यहाँ से जूलॉजिकल पार्क से निकलते हैं और जाते हैं, देखते हैं और कहाँ पे लेके जाते हैं आप लोगों। देख लीजिए ये मेन गेट एग्जिट करने का और एंट्री करने का भी। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे लोग एग्जिट करने के लिए, एग्जिट करके आई थिंक बैठे हुए हैं और कुछ एंट्री करने के लिए वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, अभी तो काफी भीड़ हो चुकी है। सुबह के समय में तो काफी भीड़ नहीं थी, यानी कि हल्के फुल्का था, उतना भीड़ नहीं था, तो जिसके कारण से अभी देख सकते हैं आप लोग बहुत ही भीड़ है। और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है ना, तो टूरिस्ट प्लेस के कारण बहुत ही लोग घूमने के लिए आते हैं। आप लोग देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं और टिकट काउंटर में भी काफ़ी भीड़ लग चुका है, टिकट काउंटर में काफ़ी भीड़ चुका है और इंतज़ार कर रहे हैं अपने बारी के आने का टिकट लेने के लिए। देख सकते हैं पूरा भीड़ है और यहाँ का कुछ लड़के हैं जो सिनेमेटिक शॉट्स का मज़ा ले रहे हैं, यानी कि झील के पास खड़े हुए हैं और सिनेमेटिक्स व्यू को देख रहे हैं। चलिए फिर आगे निकलते हैं हम लोग यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पैदल चलने वाला रास्ता है और यहाँ का लोकेशन देखिए क्या ही जहर है। देखिए ये जो पेड़ है ना, एक दूसरे के साथ सटा हुआ है और इस पेड़ के साथ आप लोग सुबह की सैर कीजिएगा तो कितना सुंदर लगता होगा ना। और बहुत ही अच्छा जगह है, देख सकते हैं ये जो पेड़ है ना यहाँ का खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो ये है हम लोग का जमशेदपुर सिटी जो कि झारखंड में ही आता है और जमशेदपुर को क्लीननेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ओवरऑल व्यू। और यहाँ पे हम लोग देखने के लिए रुक गए थे और कुछ अपना सेल्फी भी ले लिए। और ये है पूना, तो मिलिए मेरा दोस्त से है यहाँ पे, ये पूना सिंह है और हम इसी के कारण आ जाए हैं जमशेदपुर घूमने के लिए। दरअसल मेरा दोस्त का एग्ज़ाम था ना, तो पूना बताओ एग्ज़ाम कैसे गया? एग्जाम तो ठीक ठाक गया है, कितना नंबर आएगा पता नहीं। अच्छा तुम पास करता है तो खर्चा हम करेंगे, एलपेन लिवे खिलाएंगे, और नहीं करेगा बेटा तो तुमको हार्ट वाला पार्टी देना होगा। हाँ उसके लिए रेडी होंगे, चलो ना। हाँ तो आइए आप लोगों, आप जुबली पार्क का मेन वाला नज़ारा दिखाते हैं। एग्जाम लिख लिख के बहुत थक गए, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं अभी माइंड को फ्रेश करने के लिए जुबली पार्क। और मेन लोकेशन अभी हम लोग को दिखा रहे जा रहे हैं आप लोगों को, तो देखते हैं। बहुत ही बड़ा पार्क है ये, जमशेदपुर का फेमस पार्क है। क्या बोना, थोड़ा सीन दिखा दो, रेयर कैमरा से है। बहुत ही नज़ारा अच्छा दिख रहा है पीछे साइड में जो दिख रहा है, तो अभी आप लोगों को मैं सामने की तरफ से दिखाऊंगा, मस्त नज़ारा है और मस्त लगेगा आप लोगों भी। तो देख सकते हैं यहाँ जुबली पार्क का ये सीन है, बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। और आगे पूना जा रहा है, पूना हमको गाइड कर रहा है। क्या पूना, हाँ उधर से चढ़ना है। और यहाँ पे देखिए आप लोग, बहुत मस्त सीन है, सीढ़ी में चढ़ रहा हूँ मैं। वाओ पूना चिल्लाओ यार, क्या ही सीन है यार यहाँ का। पागल बोलेगा, पागल पागल नहीं बोलेगा बे, इतना खतरनाक कैसे बना दिया है। नहाया था हम दो दिन से नहीं है बे, नहाना जरूरी थोड़ी है ना। पूना बैठो यार, वीडियो बना देते तेरा। अब तो क्या ही बोलेंगे, क्या सीन है यार। तो यहाँ का ओवरऑल लुक दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त सीन है। पूरा व्यू दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए देखिए यहाँ पे कतई जहर वाला सीन है। काबू ना, बड़ी हार्ड लग रहा है ना। पीछे देखो तो आप लोग भी शाम के समय में आइएगा ना, तो जुबली पार्क का ज्यादा ही कुछ आनंद ले सकते हैं। सबको यहाँ पे आए हुए हैं और उल्टा पेचकारी मार रहा है। सब
कोई यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और रील्स बनाते हैं, जो भी करते हैं वीडियो मजा लेते हैं, सीन का मजा लेते हैं, सिनेमेटिक शॉट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, डांस करते डांस करें अरे फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं क्योंकि यह जुबली पार्क में बहुत रात हो चुका है, तो हम लोग को घर निकलना भी है, रांची भी जाना है ना, तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। और हम लोग को आप लोग इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया गया रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चल पुना बाय बाय, थैंक यू, कुछ बोलो, बाय बाय, मिलते हैं अंधेरी नजारों के साथ रास्तों में। और पुना पुना भी पुना का भी यूट्यूब चैनल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा, तो इसको भी आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है, नाम है लेट्स गो विद पुना सिंकू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलते हैं यहाँ से, बाय बाय।